Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Sushant Singh Rajput. किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि जितने भी इनके किलर्स हैं, मर्डरर्स हैं, ये CBI अभी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है अभी तो ये अभी तक इनमें से कोई भी जो है जेल नहीं गया है. रिया भी गई थी तो जल्दी ही वापस भी आ गई, बाहर निकल आई. और कायदे से जो इनका घर में जो नौकर था या संदीप था, कोई भी जना की गिरफ्तारी नहीं हुई, जेल नहीं गए. केवल पूछताछ की जा रही है और एविडेंसेस आप सब जानते हैं कि लगभग सब मिट चुके हैं. तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इस चीज़ को लेके. तो ये मैं प्रश्न अपने कार्ड से सामने रख रही हूँ कि इन लोग का कोई पॉसिबिलिटी है इन्हें कि कोई भी जेल जाएगा क्या, इनमें से जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी एक भी जेल नहीं गया है. ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी जना जेल नहीं गया हुआ है. तो इसलिए मैं ये प्रश्न अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ. यूजली आई कनेक्ट विद द स्पिरिट. तो मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, अगर वो बता सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत से, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जितने भी मर्डरर्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हों चाहे बाहर की सरकार के हों, सुशांत सिंह राजपूत का अगर मर्डर हुआ है, इसमें मर्डर के केस में कोई भी जना जेल नहीं जा पा रहा है. रिया गई थी लेकिन वापस आ गई ड्रग केस में, और मर्डर का कोई मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही कोई एक भी जना जो है वो जेल गया हो. तो इस तरह की जो चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, और कौन जना है इसके पीछे, कौन जना इतना ज़्यादा इतने सारे लोगों को सपोर्ट करे हुए हैं, ये व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं. मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं वो प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत अगर वो कोई मैसेज कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि उनके जो मर्डरर्स हैं, किलर्स हैं, वो अभी तक जेल क्यों नहीं जा पाए हैं. क्या कारण है कि जेल से कोई भी जना जो है वो अभी तक न्यूज़ में भी नहीं है, और कोई संभावना भी ऐसी नहीं बन रही कि क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ये सब हम सब लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि लोग को जेल भेजना तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत दूर की बात हो गई है. ये देखिए ये जो कार्ड पहले भी आ चुका है, यूजली आई कनेक्ट टू द स्पिरिट. तो ये स्पिरिट खुद आंसर कर रही है, आप खुद देख सकते हैं. यहाँ पे बहुत बार ये कार्ड सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट कई बार ये आंसर दे चुकी है. एक ऐसा राजा वाला व्यक्ति जिसका खुद का बेटा या उसका असिस्टेंट कोई भी, ये 20 टाइप का कोई व्यक्ति है जो इस वक्त खुद राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है, खुद इतना अमीर है, प्रॉस्पेरस है, ये लोगों को मारने में ही उसको खुशी मिलती है. मतलब बीस्ट क्या करता है, दूसरों का खून चूसता है ना, मारता है और उसको खुशी मिलती है. इस तरह का ये एक 20 टाइप का कोई व्यक्ति है जो कि बेहद गंदा इंसान है, और ये इस वक्त एक राजा की तरह रह रहा है, एक एम्परर की तरह रह रहा है. और इसी ने जो है सारा प्लान करा हुआ था, मैंने बताया था, और ये इस वक्त जो है इन सभी लोगों को कंट्रोल करे हुए है. और इसी ने ही सुशांत के लिए ज़िंदगी में जो है, ये ड्रैगन टाइप का व्यक्ति आप देख सकते हैं कि कितना परेशानी क्रिएट करी सुशांत के जो है लाइफ में. ये व्यक्ति जी यहाँ पे सबसे पहला कार्ड, यहाँ स्पिरिट यही बता रही है कि इसी व्यक्ति है जो बीस टाइप का व्यक्ति है, इसकी वजह से जो अभी राजा की गद्दी पे बैठा हुआ है. तो ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बॉलीवुड का माफिया ही हो सकता है इस तरह का. ये 20 टाइप का व्यक्ति तो और कोई हो नहीं सकता, जो मर्डर करवाता हो, खून खराबा करवाता हो, अपना काम निकलवा लिया किसी से भी, चमचे रखना, तरह तरह के काम इस तरीके से. और ये व्यक्ति इस वक्त बहुत फेमस है, और लव अफेक्शन उसको जनता से मिल रहा है, और वो चाहता है कि अभी भी हमको लोग उतना ही जो है वो फेमस जो है वो हम रहें और उतना ही लव हमको मिले. तो इस तरह का यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वो जनता से बहुत ज़्यादा फेम पाना चाहता है. इस व्यक्ति ने जो है इन सबको सपोर्ट कर रखा है. जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है ना कि इतने सारे जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कोई भी हैं, वो सब कैसे बचे हुए हैं, कैसे जो हैं वो सब, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, ये व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है जो मेन सूत्रधार है सारे पूरे प्लानर प्लान जिसने किया हुआ है, ये है. और बिल्कुल इस वक्त वो अकेले चल रहा है, बिल्कुल अकेला हो गया है, और अपने आप को दिखा रहा है कि जैसे मैं कुछ जानता नहीं हूँ, इस तरह का कार्ड है. और ये
दूसरों को नोचने खसोटने की इसकी हैबिट है, गुस्सैला है बहुत ज़्यादा, और इसको ऐसा लगता है जैसे कि मतलब दूसरों को जो है वो जब मनाया तब किसी को भी थप्पड़ मार दिया, जब चाहे किसी को डांट दिया, मतलब ये नहीं देखता है कि आसपास कौन बड़े लोग बैठे हैं या कुछ लोग, कुछ नहीं, जो जब जो मन में आया वो किया। और ये व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, अकेले मतलब कि अकेला चलता है, ये अकेले ही सारा काम करता है, और बहुत अकेलापन इसको खाता भी होगा। और फिल्म इंडस्ट्री में इसका जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बहुत ही हम सभी लोगों ने, जनता ने इसको जो है, इतने सारे लोगों ने इसको राज गद्दी पे इसको बैठा रखा है। दैट मीन्स कि ये व्यक्ति बहुत ही ये नहीं कहेंगे बुढ़ा हो गया है कोई, लेकिन है एक 50 के एज का आसपास, जिसको हम लोगों ने बहुत ही यंग एज में ही इसको बहुत बड़ा एक्टर बना दिया, या कुछ ऐसा मुझे नहीं मालूम ये एक्टर है या सरकार में, आप लोग खुद जानते हो मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, तो आप लोग खुद जान जाएंगे। तो ये ऐसा व्यक्ति है, इस तरह का यंग एज में ही ये बहुत राजा की गद्दी में, हम सब लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे से उसको जो है वो संभाल के उसको राजगद्दी में बिठा रखा है। तो ये इस तरह का व्यक्ति है, इसी व्यक्ति ने अपने पैसे के दम पे पूरा कंट्रोल कर रखा है सिस्टम। और ये जितने भी आप जो पूछ रहे हो ना कि इतने सारे लोगों का डायरेक्टर्स जो हैं, एक्टर्स इतने सारे इन्वॉल्व हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, इस व्यक्ति की वजह से नहीं जा रहे हैं, इनको कहीं से पैसा फंडिंग मिल रही है इन लोग को, तभी ये, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि पुलिस तो यहाँ तक पहुँची, पुलिस तो भूल ही जाइए, यहाँ पर तो कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, CBI भी मुझे लगता है कि बिल्कुल इसके हत्थे एकदम चढ़ गई है। जैसे कि अब ये व्यक्ति इतना सब, अभी तक देखिए जेल नहीं हुई है, इस व्यक्ति की वजह से नहीं हो रही, जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है ये सवाल। आई थिंक कि आपको आंसर बहुत प्रॉपर वे मिल गया होगा कि ये व्यक्ति, अब आप लोग जानिए समझिए ये व्यक्ति कौन है, इंडिकेशन किस तरफ है, ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।